हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम वीडियो में देखने जा रहे हैं प्रोलाइट का इंट्राडे इंडिकेटर कैसे ये काम करता है, किस प्रकार से आपको कॉल को एनालाइज करना है। ये डिटेल्स मैं आप इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। सो आइए शुरू करते आज का वीडियो। तो ये हमारा प्रोलाइट का इंडिकेटर है, मैंने लगा के रखा है अपोलो टायर्स का फ्यूचर। ये इंट्राडे चार्ट है, 15 मिनट्स में आपको वर्क करना है इस चार्ट के बेस पे। जब कोई भी आप कॉल को एनालाइज करोगे तो आपको क्या चीजें देखनी है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी में जब कोई बाय या सेल कॉल जनरेट होके मिलेगा आपको, तो एक ग्रीन कलर का और रेड कलर का एरोज आपको मार्क होके मिलेगा चार्ट के ऊपर। अब किस प्रकार के आपको कॉल लेने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जब कोई भी बाय या सेल कॉल आता है, तो आपको जब बाय कॉल के वक्त बायर्स देखने होते हैं और जब सेल कॉल होता है तो आपको सेलर्स देखने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि जब बाय कॉल जनरेट होके मिले आपको, बायर्स आपके सबसे ज़्यादा होने चाहिए, इसका परसेंटेज ये मार्क होके मिलेगा। तो बायर्स का परसेंटेज होना चाहिए, साथ ही साथ आपका वॉल्यूम नीचे होना चाहिए और जो ट्रेंड लाइन है इसका आपका कलर आपके फेवर में होना चाहिए, मतलब बाय कॉल है तो ये ग्रीन में होना चाहिए। सिमिलर पैटर्न रहेगा आपका सेल कॉल को लेके, जब सेल कॉल आपको जनरेट होके मिले तो वॉल्यूम आपका रेड होना चाहिए, सेलर्स आपके मैक्सिमम होने चाहिए वहाँ पे, और जो ट्रेंड लाइन है इसका कलर आपका रेड होना चाहिए। तो ये सिंपल कंडीशन है, इसको आपको फॉलो करके चलना है कोई भी कॉल आपको एनालाइज करना हो तब। तो ये जो बाय कॉल जनरेट होके आया था 286.1 का इसका बाय का रेट था, और जो टारगेट आपका सेकंड हम प्रेफर करते हैं, मोस्टली आप सेकंड टारगेट तक आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो। तो जो टारगेट था 288.53 का था। ये स्टॉक में अगर आप ट्रेड करोगे तो 2.5 लाख का मार्जिन आपको एक लॉट के बेस पे लगेगा, और जो लॉट साइज है इसका 3500 का है, मतलब एक रुपये पे आपको 3500 का प्रॉफिट होगा। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो आपको 2.5 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है सेकंड टारगेट के बेस पे। तो आप 2.5 का अगर कैलकुलेशन करते हो तो अप्रोक्सीमेटली वो आएगा 8,500 के अराउंड का आपका इस ट्रेड के बेस पे प्रॉफिट बनना चाहिए सेकंड टारगेट आप अगर प्रेफर करो तो। इसके अलावा अभी ये इंडिकेटर आपको और क्या चीजें दे रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे पाइवट पॉइंट मिलेंगे, रेजिस्टेंस लाइन मिलेंगे, 3 सपोर्ट मिलेंगे, राइट। ये ऑटोमेटिकली मार्क होके मिलेगा जैसा मार्केट आगे जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट चेंज होंगे। साथ ही साथ ये स्ट्रेटेजी आपको हर एक कैंडल का जो टेक्निकल नाम होता है वो आपको यहाँ से ऑटोमेटिकली बता के देगी। सपोज ये कैंडल है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नियर डोजी है, ये ब्लैक कैंडल है, स्मॉल ब्लैक कैंडल है, ठीक है। तो ये सारी इन्वर्टेड हैमर भी इसको बोलते हैं, शूटिंग स्टार होता है। तो इस प्रकार के सारे जो नाम हैं आपको पता नहीं होगे तो टेक्निकल स्टडी आप जब करोगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ आएगी। तो ये इंडिकेटर उस वे में भी आपको हेल्प करेगा कि कोई भी कैंडल जनरेट होना स्टार्ट करे तो उसको क्या नाम से हम पुकार सकते हैं, या फिर उस कैंडल का जब स्टडी आप करोगे तो उसका क्या नाम है, उसको कैसे आपको आगे यूज करना है, ये आपको स्ट्रेटेजी से करते आएगा। तो इस प्रकार की ये स्ट्रेटेजी है, बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। इसके बेस पे आप स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, उसमें भी आप काम कर सकते हो। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। 15 मिनट्स का आपको टाइम फ्रेम प्रेफर करना है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए अच्छा रहा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।